गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे सोलर इन्फॉर्मेटिव चैनल सोलर इन्वेंशन चैतन्य इलेक्ट्रिकल्स पर। दोस्तों बारिश के दिन दोस्तों चालू हो गए, क्लाउडी डेज बारिश के दिन जून से। तो मेरा डबल चार्ज कंट्रोलर सेटअप है दोस्तों, उस सेटअप का क्या बिहेवियर है वो आपको इस वीडियो में मैंने दिखाया है। कल दोपहर 1 बजे मैंने चेक किया दोस्तों, तो जो SPV से एम्पेयर आ रहे थे PWM चार्ज कंट्रोलर को और MPPT मुझे PCU सोलर PCU को गैमा प्लस सोलर PCU को, उसमें से जो PWM चार्ज कंट्रोलर था दोस्तों वो मेरा उस वक्त जो लोड चालू था मेरा 75 वाट लोड मेरा तब चालू था 1 बजे दोपहर के, तो वो लोड चला रहा था PWM चार्ज कंट्रोलर। और यूटेल गैमा प्लस जो मेरा सोलर PCU है वो ओनली बैटरी को चार्ज कर रहा था दोस्तों। वो सभी पैरामीटर्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है, वीडियो पूरा देखिए दोस्तों बिना स्किप किए हुए, आप सब कुछ समझ जाओगे ड्यूअल चार्ज कंट्रोलर सेटअप का बिहेवियर। और ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग वीडियो दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है, लगभग 300 वीडियोज़ है मेरे YouTube चैनल पर। रिपेयर क्या है, गैमा प्लस टेस्टिंग क्या है, सोलर पैनल स्ट्रक्चर क्या है, सोलर पैनल की जानकारी की वीडियोस है, क्लैंप मीटर की जानकारी है, वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वैटेज टेस्टिंग की जानकारी है दोस्तों, 6-in-1 एनर्जी मीटर कैसे तैयार करें उसका भी उसके भी वीडियोस है दोस्तों, सोलर वाटर हीटर कैसे रिपेयर करें उसके भी वीडियोस है। आप फुर्सत में दोस्तों वो वीडियोस देख लीजिए, आपको नॉलेज आ जाएगा, आप खुद ही घर में वो रिपेयर कर सकते हैं आपको इंटरेस्ट हो तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, चलिए आप वीडियो की तरफ जाएंगे। देखिए दोस्तों पूरा रेनी सीजन चालू है, जून का महीना है, बारिश पड़ रही है बीच बीच में, पूरे काले बादल छाए ऊपर। दोपहर 1 का वक्त है दोस्तों, 14.8 पर बैटरी है मेरी, PWM चार्ज कंट्रोलर बैटरी को नहीं चार्ज कर रहा है, ये मेरा MPPT चार्ज कंट्रोल ये है ना सोलर PCU वही बैटरी को अभी चार्ज कर रहा है। अभी आपको ड्यूअल चार्ज कंट्रोलर सेटअप का बिहेवियर दिखा रहा हूँ मैं, 75 वाट लोड मेरा चालू है फिलहाल, ये ऊपर से यूटेल गैमा प्लस के जो एम्पेयर आ रहे हैं वो बैटरी चार्ज करने के लिए जा रहे हैं, लगभग 9-10 एम्पेयर आ रहे हैं, धूप नहीं है, ये 14 एम्पेयर जा रहे हैं बैटरी चार्ज करने के लिए। और ये PWM चार्ज कंट्रोलर देखिए 0 एम्पेयर बैटरी को पहुंचा रहा है, देखिए MPPT गैमा प्लस ही बैटरी चार्ज कर रहा है अभी फिलहाल, जो मेरा 75 वाट लोड चालू है वो ये PWM चार्ज कंट्रोलर ही चला रहा है, ये कि बैटरी को नहीं जा रहा, उसका वोल्टेज एम्पेयर बैटरी को नहीं जा रहा, 0 दिखा रहा है, बैटरी 13.8 पर है, सॉरी दोस्तों बैटरी को लगभग 14 एम्पेयर जा रहा है, 10% लोड चालू है, VOC 37.7 हो गया है, SPV वोल्टेज SPV एम्पेयर ऊपर से लगभग 8 एम्पेयर आ रहे हैं, 397.9 kWh बनाया अब तक, 14.8 पर बैटरी है, ABS मोड में बैटरी है, VOC 41 volt, SPV एम्पेयर लगभग 7-8 एम्पेयर आ रहे हैं, मेंस मेरी ऑफ है, पिन निकाल कर निकाली हुई रहती है मेरी हमेशा, पूरा मैं मेरी बैटरी सोलर से ही चार्ज करता हूँ, नो मेंस यूज,
एम्पियर दिखाता हूँ एसपीवी के। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर पर ये मेरा ये 75 वाट लोड चालू है दोस्तों, ये चार्ज नहीं कर रहा फिलहाल बैटरी को, देखिए चार्जिंग का सिंपल नहीं दिखा रहा, ये बैटरी चार्ज कर रहा है, ये एसपीवी एम्पियर जो आ रहा है इससे ही बैटरी मेरी चार्ज हो रही है अभी। देखिए ये लगभग 3 एम्पियर जो आ रहा है पीडब्ल्यूएम से उस पर ये लोड चालू है मेरा 75 पर वैट लोड, 3-4 एम्पियर आ रहा है दोस्तों। अभी बैटरी को जाना चालू हुआ, लोड थोड़ा बढ़ने के कारण या बादल ऊपर से आते जाते हैं उसके कारण वो बैटरी में जाने लगा है अभी। 5 मिनट पहले वो नहीं जाता था बैटरी को, लोड चालू था उस पर। ये देखिए बैटरी एमपीपीटी ने बैटरी को एम्पियर चार्जिंग के लिए एम्पियर देना बंद कर दिया, इसलिए पीडब्ल्यूएम अभी चार्ज कर रहा है बैटरी को, ऐसा बिहेवियर होता है दोस्तों डबल चार्ज कंट्रोलर सेटअप का। लगभग 4 एम्पियर से बैटरी चार्ज कर रहा है पीडब्ल्यूएम अभी। लोड बढ़ा दिया है हमारे घर वालों ने थोड़ा, 75% 75 वाट लोड था अभी 85 वाट हो गया है। एसपीवी से थोड़े एम्पियर आने कम हो गए, 7 एम्पियर आ रहे हैं। एसपीवी वोल्टेज भी 36 वोल्ट हो गया है। बीएलके दिखा रहा है देखिए, अभी 5 मिनट पहले एबीएस दिखा रहा था, अभी बीएलके दिखा रहा है, ऐसा बिहेवियर हो रहा है, एम्पियर कम ज़्यादा होते हैं बादलों के कारण। एबीएस अभी एबीएस में आ गया देखिए दोस्तों, एबीएस बल्क, एबीएस बल्क होता है, बल्क दिखा रहा है अभी। ये दोनों मिला के दोस्तों मेरी बैटरी चार्ज करते हैं, बैटरी जितनी डिस्चार्ज है उसके हिसाब से, अगर बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो चार्ज होने का आई हो तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर ही थोड़ा फार लोड मेरा चला लेता है। देखिए यूटेल गैमा प्लस पर से लगभग 8 एम्पियर ही चार्जिंग को लिए जा रहे हैं, पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर 3 एम्पियर दे रहा है दोस्तों बैटरी को। देखिए 0 दे रहा है अभी, देखिए बैटरी चार्ज होने को आई है इसलिए, देखिए 0 एम्पियर दे रहा है। ये दोनों मिला के ये चलाता है सारा लोड मेरा, देखिए बैटरी को भी अभी 0 दे रहा है एम्पियर सब। अभी एमपीपीटी सिस्टम पर सब शिफ्ट हो गया है लोड। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।